हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ऑनेस्ट बाइक रिव्यू। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के बाद हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं स्कूटर के शोरूम में, जहां हमें मिला हमारा नया लाइट यानी नया ईवी मॉडल जिसका नाम है याकुजा स्पैरो। तो याकुजा स्पैरो के बारे में हम लोग आपसे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक सवाल है, क्या आपको पुराने बाइक्स पसंद है या नए ईवी मॉडल्स? अगर आपका जवाब दोनों में ही है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि हम ईवी रिव्यूज़ के साथ साथ पुराने बाइक रिव्यूज़ भी करते हैं, ताकि आप फ्यूचरिस्टिक होते रहे और उसके साथ साथ आपके पुराने यादें भी ताज़ा हो। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखें। तो शुरू करते इस वीडियो को 30 सेकंड्स के डिस्प्ले वीडियो के साथ। तो गाइस, 30 सेकंड्स का डिस्प्ले वीडियो आपने ज़रूर देख लिया होगा याकुजा स्पैरो का। अब आते हैं इसके लुक के बारे में। तो याकुजा स्पैरो का लुक मुझे ईवी वाला फील नहीं दे रहा है, इसमें मुझे ईवी वाला कोई भी लुक नज़र नहीं आ रहा है। इसमें मुझे बिल्कुल अपनी पेट्रोल गाड़ी जैसा होता है, जैसा पेट्रोल स्कूटी होता है उसी की तरह ही मुझे लुक दे रहा है। और अगर मैं आपको स्पेसिफिक करूँ, क्योंकि मैं गाड़ियों का रिव्यूज़ करता रहता हूँ, तो ये मुझे काफ़ी हद तक एविएटर वाला एक सामने की तरफ से लुक दे रहा है। और अगर मैं इसके पीछे की तरफ जाऊँ तो मुझे ये एक एक्टिवा वाला शाइन दे रहा है। तो एविएटर प्लस एक्टिवा A+A डबल ए कॉम्बिनेशन में ये गाड़ी अपने यूनिकनेस के साथ लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ डिजिटल डिस्प्ले, उसके साथ साथ अगर मैं 2% के हिसाब से इसका सीट कैपेसिटी भी देखूं तो सीट कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है। वैसे आप मुझे ज़रूर बताइए कि मैं सही था या गलत, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए मुझे। अब नेक्स्ट मैं आ जाऊंगा इसकी बैटरी की तरफ। तो बैटरी में यहाँ पे 5 ब्लेड एसिड 60 वोल्ट के साथ बैटरी दिया गया है। ऑब्वियसली आप इसे चाहे तो लिथियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल चार्जिंग के लिए टाइम लगेगा 6 आवर्स। और इसमें अगर मैं यूनिट की बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, तो इसमें 2 यूनिट मैक्सिमम लगेगा, SI कंपनी की तरफ से दावा किया गया है, जिसमें आपको टॉप स्पीड मिलेगा 50 किलोमीटर। और अगर फुल बैटरी में मैं इसके माइलेज के बारे में बोलूँ तो 65 टू 70 किलोमीटर तक आपको ये माइलेज दे सकता है। तो बैटरी पार्ट के बाद हम लोग आ जाएंगे इसके व्हील पार्ट। तो व्हील पार्ट में यहाँ पे ट्यूबलेस टायर यूज़ किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ गाड़ी को जर्क फ्री बनाने के लिए यहाँ पे रियर सस्पेंशन विद मिनी सॉकर भी यूज़ किया गया है। तो आ जाते हैं आप आखिरी सवाल में कि ये गाड़ी आपको कितने रुपए में मिलेगी। तो इस गाड़ी का प्राइस है 60,499 रुपीज़, 60,499 रुपए में ये गाड़ी आपको मिल जाएंगे याकुजा स्पैरो। तो उसी के साथ आपको 2 स्मार्ट कीज और 2 मैनुअल कीज भी मिलेंगे, जैसा कि हर एक ईवी गाड़ी में दे रहा है। तो गाइस, आ चुके हम वीडियो के एंड पे। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना, यही हमारा काम है। फ्यूचर में अगर कोई भी ईवी मॉडल अपने आप को डेवलप करे या फिर कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ गाड़ी लेके आए, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे अपने वीडियोस के थ्रू। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, उसी के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज का वीडियो याकुजा स्पैरो का यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको अगर स्पेसिफिकली ईवी रिव्यूज़ देखना पसंद है तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके भी
इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले भी काफी सारे ईवी के रिव्यू वहाँ पे हम लोग दे चुके हैं। फिर मिलेंगे नए कोई ईवी मॉडल के साथ या फिर पुराने बाइक के साथ। वैसे आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप कौन से बाइक का वीडियो देखना या फिर ईवी मॉडल का वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।